ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय तीसरा श्लोक संख्या 11। देवान् भावयतात्नेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यस्थः। यज्ञों के द्वारा पवित्र होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो हमने सुना था किस प्रकार प्रकृति के इस संसार के प्रारंभ में कुछ शास्त्रों की कुछ ग्रंथों की रचना करी गई और उसमें बोला गया कि यदि तुम यज्ञ करोगे यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो सब कोई व्यक्ति यहाँ पर इस जगह पे सुखी रह सकता है। जैसे कि कोई हमारी कानून व्यवस्था है, हमारी कानून व्यवस्था कहती है कि यदि आप कानूनों का पालन करते हुए रहोगे तो यहाँ पर सब लोग खुशी से रह सकते हैं, लेकिन यदि आप कानून व्यवस्था का पालन नहीं करोगे तो समस्या होगी। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया कि यदि हम भगवान के बताए हुए तरीकों के अनुसार चलें, भगवान को पसंद करते हुए चलें तो सभी सुख रह सकते हैं। यहाँ पर फर्दर बताया कि यदि हम जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम सारे नियमों का पालन करते हैं तो सरकार के विभिन्न विभाग हमसे प्रसन्न रहेंगे, चाहे वो है ना पुलिस विभाग है या ट्रांसपोर्ट विभाग है या और कोई भी है, जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्ट्री है या जितने भी मिनिस्ट्री हैं, सारे सरकार के व्यक्ति खुश रहेंगे कि ये व्यक्ति जो है सरकार के नियमों का पालन करता है, इसको सरकार के द्वारा अवार्ड मिला है, तो सब तरफ उसको व्यक्ति को प्रेफरेंस मिल जाती है, मिलनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर हम बता रहे हैं कि यदि हम भगवान की सरकार के अंदर कई सारे देवी देवता हैं जो कई सारे कामों को संभालते हैं भगवान की इस सत्ता में, यदि हम भगवान के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो ये सारे देवी देवता भी हमारी फेवर में काम करने लगते हैं। यही तो रहस्य है जो नहीं मालूम है किसी को। संसार में लोग प्रसन्न रहने के लिए न जाने कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, लोग कोई डिग्रियाँ प्राप्त करना चाह रहा है, कोई क्या करना चाह रहा है। वास्तव में यहाँ बताया कि हमारे जीवन में हमारे यहाँ पर संसार के अंदर जो भी आप देख रहे हैं ना वस्तुएं, इनके ऊपर कोई इनको हेड करने वाला है। जब हम सुनते हैं ना कि जल के देवता वायु हैं, इस प्रकार तो अलग अलग जो पदार्थ हैं संसार के अंदर, इन पदार्थों के ऊपर अलग अलग वस्तुओं के ऊपर कोई अधिकारी व्यक्ति है। सूर्य के ऊपर कोई अधिकारी है, चंद्रमा के ऊपर कोई अधिकारी है, और ये अधिकारी हैं जिनको हम देवता कहते हैं, और ये देवता हैं भगवान के भक्त, भगवान के सरकार में ये पार्टिसिपेंट हैं। और यदि हम भगवान की आज्ञा अनुसार अपना जीवन बिताते हैं तो ये सारे जो गवर्नमेंट के मेंबर हैं ये सारे प्रसन्न हो जाते हैं हमसे, और हमारे बीच में एक क्या होता है, कॉपरेशन हो जाता है, कॉपरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड डेमीगॉड्स। जिस कॉपरेशन से चारों तरफ संपन्नता रहती है, जब आसपास कॉपरेशन नहीं होता तो क्या होता है, तो हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, कोई किसी को करता है, कोई किसी को खींचता है, कोई किसी को कहता है ये गलत है, वो कहता है ये गलत है। कॉपरेशन के बिना तो कोई भी नहीं, एक परिवार भी नहीं चल सकता, एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं चल सकता, लेकिन ये कॉपरेशन आएगा कैसे, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमने सुना कि भगवान के प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। हमने सुना यज्ञ किसको कहते हैं, विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को हम यज्ञ कहते हैं। अब सुनते हैं कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं। हम सारे शास्त्रों में पढ़ते हैं कि यदि हम भगवान के भक्तों का विशेष ध्यान रखें उसके बाद हम तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, यदि हम जीवों पे कल्याण करें तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से यज्ञ करने का मतलब इनडायरेक्टली ये हो गया। क्या हो गया यज्ञ करने का मतलब, कि भगवान के भक्तों की सेवा करना, अपने मतलब श्रवण कीर्तन इत्यादि के अलावा भगवान के भक्तों की सेवा करना, जीव जन साधारण जीव के ऊपर कृपा करना, उन्हें हरिनाम देना। तो अब अगर हम संसार के लोगों को ऊपर कृपा करेंगे इस प्रकार से, भक्तों की सेवा करेंगे, तो भगवान इधर से प्रसन्न होंगे, पहली बात, जिससे एनीवे सब कुछ ठीक होगा। दूसरी बात, जब हम इतने सारे भक्तों की सेवा करेंगे, उन्हें कृष्ण प्रदान करेंगे, हाँ, और इस प्रकार से वो भी कृष्ण भावना में बन जाएंगे, तो उनके जीवन का और हमारे जीवन का पर्पज़ क्या रह जाएगा, एक ही पर्पज़ रह जाएगा। जब एक ही पर्पज़ रह जाएगा तो आपस में कॉपरेशन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। जहाँ गोल की
यूनिटी होती है, एक कॉमन गोल होता है, वहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ जाता है। उसी तरह से हमारे बीच में जब हमारे सबका उद्देश्य धीरे धीरे कृष्ण को प्रसन्न करना हो जाएगा तो कोऑपरेशन बढ़ जाएगा। कोऑपरेशन बढ़ेगा तो सारे मुद्दे ही समाप्त ना। कोऑपरेशन जब बढ़ जाता है तो आदमी एक दूसरे की गलतियों को भी नज़रअंदाज करता है, और जब कोऑपरेशन नहीं होता है तो सही चीज़ को भी गलत देखता है। आदमी कहता है इसने आज लाल शर्ट क्यों पहनी है, गलत है। इसने आज रोटी क्यों खाई, गलत है। उसकी हर व्यक्ति की हर चीज़ उसकी गलत लगने लगती है। हाँ, तो जब आपसी सहयोग नहीं होता है, आपसी सहयोग कब नहीं होता है, जब हमारा गोल एक नहीं होता है, जब हमारा उद्देश्य एक नहीं होता है। हमारा उद्देश्य कब एक नहीं होता है, जब हमारा उद्देश्य कृष्ण नहीं होते हैं। यदि हमारे सेंटर कृष्ण नहीं होंगे, ध्यान रखिए ये आपको हम सबको इल्यूज़न है, नहीं परिवार सुखी रहा जा सकता है बिना कृष्ण के गोल के, ये आपका इल्यूज़न है। हम देखते हैं परिवारों में बड़ी एकता होती है जब तक पर बच्चे छोटे होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं वो अपने आप को सेंटर बनाते चले जाते हैं। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है तो कुछ सालों में एहसास हो जाएगा। जब बच्चे 15, 20, 30 हाँ पे पहुंच रहे होते हैं इस उम्र में, तो बच्चे धीरे धीरे एक अपना सेंटर बना रहे होते हैं, और उसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि कृष्ण के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम तो परिवार 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 करते रहे लेकिन ये परिवार तो टूट गया, क्योंकि सबका अपना ही एक उद्देश्य है, सबका कॉमन उद्देश्य है ही नहीं। इस कारण से यदि आपको सुख समृद्धि से भी रहना है, चलो भूल जाते हैं कि आपको भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति करनी है, विच शुड बी द गोल। अगर आपको इस संसार में सुखी भी रहना है तो भी कृष्ण को गोल बनाइए अपने जीवन का, उनको प्रसन्न करना अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम ऐसा करेंगे तो देवता का सहयोग मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा देवताओं का सहयोग, बताइए क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं देवता उस व्यक्ति को फेवर करेंगे जो व्यक्ति भगवान के लिए जीवन जीता है? क्या ऐसा नहीं होता? हम नहीं देखते कि कोई व्यक्ति जो सरकार का बहुत अच्छा प्रसन्न कर देता है, उसको कई बार रिबेट मिलती है, कई डिस्काउंट्स मिलते हैं, कुछ अवार्ड्स मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, जगह जगह पर उसको प्रेफरेंस मिलती है, ऐसा होता है कि नहीं? जैसे कि जो व्यक्ति माना बहुत बड़ा लड़ाई लड़के आ जाता है, कर्नल जनरल वगैरह कोई बहुत बड़े युद्ध में लड़ते हैं, उनको परमवीर चक्र मिलते हैं, तो हम देखते हैं हर जगह उनको प्रेफरेंस मिलती है सरकार की तरफ से, उनकी नौकरी में, कई चीज़ों में, भले ही सरकार करप्ट ना हो, ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं, तो उनको फ़ायदा होता है। उसी तरीके से जब हम इस प्रकार से भगवान की सरकार के अनुसार जीते हैं तो सारे देवता भी हमें मदद करते हैं। तात्पर्य प्रभाव बताते हैं कि देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, दे आर द अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वस्तु, वायु, प्रकाश, जल, अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य, देवता कितने हैं, असंख्य सहायकों के रूप में हैं। उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। इसका मतलब कहीं पर ये नहीं बताया गया कि आप देवताओं को अलग से जाके प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए भगवान को भूल के, वो फिर रिश्वतखोरी हो जाएगी। कि देखो जी, सरकार ने तो ये बोला है, मैं ये तो नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें प्रसन्न कर देता हूँ, तुम मेरा ये काम कर दो। तो ये जो है समाज में धीरे धीरे चालू हो गया है। तो देवताओं को यदि सही तरीके से प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न करें? भगवान को प्रसन्न करके, जिसको हम यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं। और क्या लाभ होता है? एक तो ये होता है जो अभी हमने सुना, देखिए संसार में इतने मतभेद इतना क्यों है? क्योंकि खिंचाव है, क्योंकि डिससेटिस्फेक्शन है। इतना गुस्सा क्यों आ जाता है कोई हमारी गाड़ी को टच कर देता है तो? अचानक से कोई हमें टच भी कर देता है तो हम चिड़चिड़ा के भुनभुना से क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे हृदय खोखले हैं, उसमें खोखली चीज़ों के प्रति आसक्ति है। संसारिक वस्तुओं से हमें सुख ढूंढने का, हम सोचते हैं कि ये खरीद लेंगे तो उसमें सुख मिल जाएगा, ये खरीद लेंगे तो सुख मिल जाएगा, और असली पर्पज़ को भूल जाते हैं। क्योंकि हम डिससेटिस्फाइड हैं इसलिए कॉपरेट भी नहीं करते हैं। कि एक डिससेटिस्फाइड आदमी क्यों किसी से कॉपरेट करने लगा? जो व्यक्ति टोटली संतुष्ट है वो कहता है ओके ले जा यार, ले जा तू कर ले, क्योंकि वो संतुष्ट है। संतुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से हम वही रिवाइज करें, हमें भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जब हम भक्तों पर और जीवों पर कृपा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। जब हम भक्तों को, जीवों को कृष्ण दे देंगे तो ऑब्वियसली सबका उद्देश्य सेम हो जाएगा, सभी कृष्ण को प्रसन्न करने जाएंगे, नेचुरली सबके बीच में कोऑपरेशन आ जाएगा। कितना आसान लगता है सुनने में, लेकिन प्रचार करने में बड़ा मुश्किल काम है प्रचार करना। हाँ, किसी को कृष्ण देना बड़ा मुश्किल है, किसी को रोटी देना बड़ा आसान है। तो यज्ञों को संपन्न करने के और भी लाभ हैं। और क्या लाभ हैं?
कि इससे भवबंधन से मुक्ति मिलती है। क्यों? क्योंकि हम पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ आदमी क्यों करता है? शुद्धिकरण के लिए। तो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कोई कार्य करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं। एक नौकरी जो कृष्ण के लिए करता है, जो पैसा जो कृष्ण के लिए कमाता है, वो भी पैसा कमाता है, लेकिन वो पैसा कमाते कमाते मुक्त होता जा रहा है। और एक दूसरा आम आदमी पैसा कमाते कमाते बंधता जा रहा है, क्योंकि वो उस पैसे को खुद ही भोगना चाहता है, ऐसा गीता कहती है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। कैसे शुद्ध होते हैं? जैसे यज्ञ करना, हमने कहा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो खाद्य पदार्थ कैसे? यज्ञ, भगवान को भोग लगाना एक यज्ञ हो गया, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के लिए किया। जब भगवान को भोग लगाया तो क्या हो गया? खाद्य सामग्री पवित्र हो गई। इस प्रकार जो जो चीज़ भगवान को अर्पित की जाएगी वो सारी चीज़ें पवित्र हो जाएंगी, और इस प्रकार हम भगवंतन से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो बात कह रहे हैं कि जीवन शुद्ध क्या होता है, कि जब इस प्रकार हम भोजन ऑफर करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म तंतु हमारे शुद्ध होते हैं। जो हमारे प्रभुपाद कहते थे सोचने समझने के लिए जो हमारे मस्तिष्क है, इसमें जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारी चीज़ें शुद्ध हो जाती हैं। और शुद्ध होने से क्या होता है, हमारे विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, मनुष्य का मुक्ति मार्ग का चिंतन कर पाता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावना तक पहुँच जाते हैं। यानी कि केवल भगवान को ऑफर्ड खाने से, जो कि एक प्रकार का यज्ञ है, हमारा अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। भोग खाने से व प्रसाद खाने से, इसको नॉर्मल खाना नहीं मानना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं यदि आप गरीबों को बांटना भी चाहते हैं तो प्रसाद को बांटिए। उससे क्या होगा, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, हमारा चिंतन शुद्ध होगा, हम कृष्ण भावनामृत की तरफ अग्रसर होंगे, उसके हमारे जीवन में एक संतुष्टि आएगी, संतुष्टि आने से कॉपरेशन आएगा, कॉपरेशन आएगा तो द्वेष ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, और ये समाज कितना अच्छा हो जाएगा। भारद्वाज ऋषि के पास जब श्री राम पहुँचते हैं प्रयाग में, जब वो अपना वनवास को जा रहे होते हैं, सीता राम लक्ष्मण, तो प्रयाग के पास में वो भारद्वाज ऋषि का जो आश्रम में जब घुसते हैं तो देख के हैरान हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं कि सारे जानवर एक साथ विचरण कर रहे हैं उसी आश्रम के अंदर। जो अदरवाइज शेर का जो शिकार है वो बकरी है, वहाँ पे बकरी शेर और जितने भी अपोजिट जानवर हैं, जंतु हैं, वो सारे वहाँ पे घूम रहे हैं। देख के राम जी एकदम हैरान हो जाते हैं, तब उन्हें भारद्वाज ऋषि की शक्ति का पता चलता है कि कैसे इनके साथ रहते हुए इनके वातावरण में अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्तियों का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता हो गया, और इस कारण से आपसी ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो गया अलग अलग जानवरों के अंदर भी। क्यों, कितना पोटेंसी है इसके अंदर, कृष्ण भावनामृत के अंदर, कि जानवरों का भी ईर्ष्या चला जाता है, लेकिन ग्रीड से, भोगने की इच्छा से, जानवर तो क्या कहिए, इंसान के बीच में भी द्वेष आ जाता है, इंसान क्या कहिए, रिश्तेदारों के बीच में भी द्वेष आ जाता है। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल नेचर, एवरीबडी ट्राइंग टू एंजॉय एंड एंजॉय एंड एंजॉय। तो जस्ट उसको बदल के हमें कृष्ण को एंजॉय कराएंगे तो सबके बीच में कॉपरेशन होगा, संतुष्टि होगी। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, अगर हम इसको अपने जीवन में उतार सकें, कैसे अपने हर कार्य को हम यज्ञ बना सकें, हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद्गीता की जय।